basically the hubris. Arrogance जो है hubris है, Hamartia error of judgment को कहते हैं. या एक character के अंदर जब कोई flaw होता है ना, एक character, देखिए हर इंसान जो है ना, कहते हैं ना इंसान खता का पुतला है, तो हर इंसान के अंदर कुछ एक खामी होती है जिसकी वजह से वो बड़ा कामयाब इंसान होता है, लेकिन कोई एक चीज हर इंसान के अंदर ऐसी होती है कि वो उसको खुद भी नहीं पता होता. वो कैरेक्टर फ्लॉ बाय नेचर या विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन उसकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है, और उसको ये अंदाजा भी नहीं होता कि मेरी इस जो कैरेक्टर फ्लॉ की वजह से लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, होता है ऐसे, या मेरे इस कैरेक्टर फ्लॉ की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा, या उस कैरेक्टर फ्लॉ की वजह से वो बंदा सक्सेसफुल तो हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं जाके जब वो कैरेक्टर फ्लॉ उसका हाइट मतलब हाईलाइट हो जाता है या वो एक्सपोज हो जाता है तो वो उसके डाउनफॉल का सबब बनता है. ठीक है, बाज़ औकात घर के बड़ों के गलत फैसले की वजह से छोटे भी सफर करते हैं, और ये कई दफा होता है. तो दैट इज नॉट ओनली उस पूरी फैमिली का डाउनफॉल होता है, बल्कि वो जो घर का सरबराह होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है घर की, उसका तो डाउनफॉल होता है साथ साथ. वो कहते हैं ना कि तुम तो डूबे हो सनम, हमको भी ले डूबोगे, तो वो वाला हिसाब किताब हो जाता है. सेम इज द केस विद द कैरेक्टर फ्लॉ हमार्शिया, कि हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गलत होता है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग तो उनको पता होता है लेकिन हमें पता नहीं होता. ठीक है, और वो बाज़ औकात हम उस कैरेक्टर फ्लॉ के बारे में लोगों के मुंह से सुनना भी नहीं चाहते कि कोई हमें गलत कहे, तो ये फिर हमारा हिब्रिस है. ये मेरा प्राइड है कि मैं सुनना नहीं चाहती. ठीक है, ये मेरा प्राइड है कि मैं उसके बारे में गलत सुनना पसंद ही नहीं करती. लाइक जो कैरेक्टर फ्लॉ था ईडिपस रेक्स का, ईडिपस रेक्स जल्दबाज था, वो जल्दी डिसीजन ले लेता था, उसके अंदर तजस्सुस था. उसको टेरिसियस ने मना किया, उसको क्रियोन ने मना किया, उसको उसकी बीवी ने मना किया कि तुम इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन में मत पड़ो, बिकॉज उन सबको ये चीज नजर आ रही थी कि अगर ये चीज इन्वेस्टिगेट हो गई तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है, जब उसने ये देखा कि उसने ये बात नहीं मानी, अब सबको ये चीज नजर आ रही थी लेकिन ईडिपस को ये नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसके अपने जो करीबी रिश्ते थे या उसके जो फ्रेंड्स थे, क्रियोन जो है वो ईडिपस रेक्स का बहुत अच्छा दोस्त भी था, टेरिसियस जो है वो बहुत एक सीयर था, वो उस नेशन के साथ बहुत ज्यादा, उस अपने सिटी के साथ, सिटी ऑफ थेबिस के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर था, यहाँ तक कि वो किंग के साथ भी बहुत सिंसियर था, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा था जो कि जिसकी वजह से उसके बादशाह का डाउनफॉल हो. तो दैट्स वाई उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया. और उसके बाद जब फाइनली जो कैस्टर ने उसको कहा कि देखो तुम इसमें मजीद आगे मत बढ़ो, तो फाइनली उसने कहा कि नहीं. और फाइनली उसके इस हमार्शिया की वजह से, उसके कैरेक्टर फ्लॉ की वजह से जो है उसका डाउनफॉल हुआ. हमार्शिया जो है वो ट्रेजेडी का हिस्सा है, ट्रेजिक हीरो का जो कैरेक्टर है उसके पार्ट में उसका एक हमार्शिया भी होता है जिसकी वजह से डाउनफॉल होता है, क्योंकि ट्रेजिक हीरो कहते ही इसको है कि जिसका डाउनफॉल होता है. ठीक है, जिसकी ट्रेजेडी दिखाई जाती है, जिसका डाउनफॉल दिखाया जाता है. यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन, यहाँ पे समझ लें हमार्शिया या हिब्रिस की, कि हमार्शिया या हिब्रिस होता क्या. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन, नॉट प्री एमिनेंटली वर्चुअस एंड जस्ट, हूज मिसफॉर्च्यून हाउएवर इज ब्रॉट हिम not by vice or depravity but some error of judgment or hamartia. Or wo according to Aristotle ek tragic hero kya hota hai, pehle humne tragedy ki definition padhi thi, ab hum tragic hero ki definition padh rahe hain ki ek tragic hero kaisa hona chahiye. Number 1, wo ek intermediate kind of person, darmiyani kisam ka kind of person hona chahiye, na to bahut zyada virtuous hona chahiye, bahut hi nek nahi hona chahiye, कोई बुजुर्ग टाइप बंदा भी नहीं होना चाहिए, एंड जस्ट ना तो बहुत वर्चुअस और जस्ट होना चाहिए. हुज मिसफॉर्च्यून हाउएवर इज ब्रॉट हिम अपॉन नॉट बाय वाइस और डेब्रेविटी, जिसकी मिसफॉर्च्यून जो है उसके ऊपर नाजिल हो जाती है उसकी वाइस और डिप्रेविटी, यानी कि उसकी किसी वाइस या डिप्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि उसके एरर ऑफ जजमेंट या हमार्शिया की वजह से, वो जो उसका कैरेक्टर फ्लॉ होता है उसकी वजह से, जो उसका
जो है उसकी उसकी वजह से उसकी जो है एक तरह से जो है डाउनफॉल होता है. Thus, Hamartia is an error or series of errors, and tragic irony lies in the fact that hero may err innocently. Hamartia जो है वो एक error है या एक series of error है, ठीक है? और वो जो tragic irony है वो इस fact में lie करती है कि hero may err innocently. ये hero जो है वो बिल्कुल innocently वो err करता है, unknowingly without any evil intention at all. Unknowingly, उसकी कोई evil intention भी नहीं होती, yet he is doomed no less than those who have committed the sin consciously. और उसकी जो doom होती है, उसका जो downfall होता है, वो उनसे कम नहीं होता जो कि commit करते हैं sin consciously. यानी कि ऐसे लोग जो जानबूझ के बुराई करते हैं, जो tragic hero होता है, वो जो भी एरर करता है वो इनोसेंटली करता है, उसमें कोई उसका कसूर नहीं होता, लेकिन उसको सजा उससे भी ज्यादा बुरी दी जाती है जो कि कॉन्शियसली जो सिन करते हैं उनसे भी ज्यादा. ऐसे लोग जो कि कमिट करते हैं कोई सिन कॉन्शियसली उससे भी ज्यादा उसको बुरी सजा मिलती है. Oedipus answers all the requirement of Aristotle regarding an ideal tragic hero. Being a man possessing excellent qualities of character and having high status, he meets a great tragic form. अच्छा जी, Oedipus जो है तमाम requirements of Aristotle जो की बात हो रही थी, ठीक है? तो उसके अंदर जो Hamartia होता है एक्चुअली वो उसका एरर ऑफ जजमेंट होता है, और उस एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसको इतनी बुरी सजा दी जाती है कि जितनी के किसी ऐसे बुरे इंसान को दी जाती है जो कि जानबूझ के कोई सिन कमिट करता है. Oedipus answers all the requirement of Aristotle regarding an ideal tragic hero. Being a man possessing excellent qualities of character and having high status, he meets a great tragic fall. ठीक है, एक जो है वो पोजेस करता था एक एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर को और हाई स्टेटस को, तो वो एक ग्रेट ट्रेजिक फॉल को मीट करता है. यानी कि हायर द स्टेटस ग्रेटर द फॉल. कल आपको एक कोट लिखवाई थी, ये रेमंड विलियम की कोट है. उसने कहा था कि एक ट्रेजिक हीरो का जितना स्टेटस हाई होगा ना उसकी फॉल भी उतनी ग्रेटर होगी. तो वो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ ही मीट्स अ ग्रेट ट्रेजिक फॉल. He meets a tragic fall नहीं लिखा हुआ. तो यहाँ पे बेटा quote add कीजिए, higher the status, greater the fall. Inverted commas close. It is not easy to point out the Hamartia which should be directly responsible for. और ये easy, it is not easy to point out कि ये जो Hamartia है जो कि responsible है directly मतलब Oedipus की tragedy के उसमें जो है Hamartia जो है वो मतलब उसका वो रिस्पॉन्सिबल था. एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट टू से दैट ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट. हम पूरे के पूरे ये बात नहीं कर सकते. हायर द रैंक, जी जी कल वाली, हायर द रैंक ग्रेटर द फॉल. अच्छा जी, अब जो है एट द सेम टाइम दो तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं. Oedipus Rex का जो फॉल हुआ क्या वो उसकी अपनी वजह से था, यानी कि उसका Hamartia इन्वॉल्व था, उसका अपना कैरेक्टर फ्लॉ था, या उसके अंदर फेट इन्वॉल्व थी. अब पूरे का पूरा हम ये भी नहीं कह सकते कि वो उसका ट्रेजिक फॉल हुआ उसके Hamartia की वजह से, और हम पूरे का पूरा ये भी नहीं कह सकते कि Oedipus का डाउनफॉल इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक पपेट था इन द हैंड्स ऑफ द फेट. Oedipus इज अ गुड किंग, ग्रेट वेल विशर ऑफ द पीपल, a man of integrity and honesty, and a great administrator with an outstanding intellect. और यहाँ पे वो कहता है कि Oedipus एक good king था, एक great well-wisher था of his people, a man of integrity था, और integrity, honesty, और एक great administrator था with an outstanding intellect. He is relentless seeker after truth. And has a great capacity for bearing suffering. उसके अंदर वो जो है उसके वो seeker for truth था, यानी कि सच की तलाश या सच का तजस्सुस उसके अंदर बहुत ज्यादा था, और
ग्रेट कैपेसिटी थी उसके अंदर बेयरिंग सफरिंग. ही ऑल्सो शोज हिमसेल्फ एज अ डिवोटेड हस्बैंड एंड अ लविंग फादर. हाउएवर ही इज समवट रैश एंड इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अनफेयर जजमेंट इन द फिट्स ऑफ टेम्पर. लेकिन वो जहाँ एक अच्छा शोहर भी था और एक अच्छा बाप भी था, लेकिन वो अनफेयर जजमेंट्स कर जाता था इन द फिट्स ऑफ टेम्पर, यानी कि वो जज्बाती किस्म का इंसान था. Creon remarks about him, ugly in yielding as you were ugly in rage. Nature like yours chiefly torment themselves. वो कहता है कि ugly in yielding as you were ugly in rage. कि वो कहता है कि ugly जितना yield होने में एक इंसान ugly लगता है, तुम अपने rage में अपने गुस्से में उतने ही ugly थे. नेचर लाइक yours, तुम्हारी तुम एकदम से ये जो इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हो, तुम एक फिट्स ऑफ टेम्पर में पड़ जाते हो, तुम अपना टेम्पर लूज कर जाते हो. ऐसे लोग जो हैं अपने आप को टॉर्मेंट कर लेते हैं, डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तबाह कर लेते हैं. ठीक है बेटा, बर्दाश्त से इंसान तबाह नहीं होता. इंसान उस वक्त तबाह होता है जब वो जज्बात में आके कोई फैसला कर बैठता है. नॉर्मली लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जज्बात में आके गलत फैसले जो है उनकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं. इसको कहते हैं कैरेक्टर फ्लॉ, कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी जिंदगी जो है वो एक अजाब में मुब्तला हो जाती है. His common intelligence makes him over suspicious. उसकी इस कॉमन इंटेलिजेंस ने उसको ओवर सस्पिशियस कर दिया था. ठीक है, और जब इंसान देखे इंसान सस्पिशियस कब होता है, उसके अंदर तजस्सुस कब होता है, वो शक्की मिजाज कब होता है, जब उसके अंदर नॉलेज आ जाता है. जिस इंसान के पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा ना, वो उतना ज्यादा सस्पिशियस होगा. हर चीज के बारे में हम तजस्सुस करने लग जाते हैं. पहले का इंसान था ना बड़ा सुकून में था, आज के इंसान के पास डिग्री इतनी ज्यादा आ गई है. आप ये देखें इस वक्त MBAs कितने सारे हैं, लेकिन क्या वो उस तरह का बिजनेस कर पाए हैं जो कि MBA में पढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि जितना इंसान पढ़ लिख जाता है ना, वो उतना खौफजदा हो जाता है. तो जो है इंसान जितना पढ़ लिख जाता है वो उतना ज्यादा बेटा खौफजदा हो जाता है. ठीक है, इस वजह से उस खौफ के मारे वो कोई जो है बड़ा कदम उठा नहीं सकता. तो उसमें होता है ना बिजनेस का एक रूल है कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट. ठीक है, ये बिजनेस का एक रूल है कि आप जितना बड़ा रिस्क लेते हैं आपका उतना बड़ा प्रॉफिट होता है. लेकिन वो MBA में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं, इधर से भी बचो, उधर से भी बचो, यहाँ से भी बचो, वहां. वो बेचारा MBA करने के बाद कोई कारोबार कर ही नहीं पाता. तो दैट इज द मेन रीजन कि उसको इतने फियर्स में डाल दिया गया है पढ़े लिखे बंदे को, कि वो सिर्फ किताबों तक ही महदूद रह जाता है. आगे उसको एक्शन करते हुए उसको बड़ा डर लगता है, या वो सस्पिशियस हो जाता है हर चीज के मामले में. ठीक है, तो पढ़ा लिखा इंसान जो है बेटा क्या अनकॉमन क्या है, हिज अनकॉमन इंटेलिजेंस मेक्स हिम ओवर सस्पिशियस. उसकी ये अनकॉमन इंटेलिजेंस थी जिसने उसको ओवर सस्पिशियस बना दिया था. इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा होना, इंसान फिर रीजन बेस्ड जिंदगी गुजारता है. ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. ये जो होना चाहिए है ना, ये असल में इंसान की जिंदगी तबाह करता है. गुजर रही है गुजरने दे. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है ना, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है वो इस तरीके से जो है जिंदगी गुजारता है कि वो फिर रीजंस में पड़ जाता है ना, डिस्पाइट के ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यूं है वो है. तो इस वजह से हमारी जिंदगी जो है वो मिजरेबल हो जाती है. डिस्पाइट ऑल हिज लव फॉर द पीपल ही वांट्स एब्सोल्यूट पावर. ठीक है, वो जो है अपनी तमाम जो है लव के बावजूद जो कि वो अपनी लोगों से करता था, ही वॉन्ट्स एब्सोल्यूट पावर. उसको वो एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी. एंड ही सेज वेयर पावर एंड थ्रोन आर माइन. और जहां पे वो यही कहता है कि वेयर पावर एंड थ्रोन आर माइन, यहाँ पे ईडिपस रेक्स की सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो शो हो रही है, जो कि हर इंसान के अंदर इनहेरिटेड होती है. एन आउटस्टैंडिंग ऑफ फीचर ईडिपस कैरेक्टर. यहाँ पे लिखिएगा बेटा, एक कोट लिखे चिनिया एशिबी की है, CHINUA चिनिया एशिबी, ACHEBE एच ई बी एच ई बी.
चिनिया एचईबी की जो है वो एक कोट है, दैट इज पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. अच्छा, उसके बाद जो है इंसान के पास जब पावर आती है ना असल में, फिर वो करप्ट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लोगों के पास जब पैसा आता है वो नीचे के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं. कोई अफसर बन जाता है तो अपने मातहतों को एक्सप्लॉइट करता है कि नहीं करता. तो हमारे पास इसी तरह घर में जो बेगमात होती हैं वो अपने लेवल पे नीचे के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है क्योंकि उनको भी पावर मिल जाती है. ठीक है, तो हमने तो अपनी अपनी अथॉरिटी देखनी है ना कि मेरी कितनी अथॉरिटी है. तो बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग अ मदर मेरे पास भी कुछ पार्ट हैं, तो क्या मेरी पार तो मुझे करप्ट नहीं कर रही. ठीक है, तो वी आर पार एंड थ्रोन आर माइंड. जहाँ पे उसने कहा पार एंड थ्रोन आर माइंड, यानी कि मैं जो कुछ मर्जी करूँ. फिर रौनियत आ जाती है इंसान के अंदर. एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ईडिपस कैरेक्टर इज एन इनहेरेंट फीलिंग ऑफ प्राइड इन हिज ओन विजडम व्हिच सीम्स टू हैव बीन नॉरिश्ड बाय हिज सक्सेस इन सॉल्विंग द रिडल ऑफ स्पेक्ट. एक आउटस्टैंडिंग फीचर था ईडिपस के कैरेक्टर का, जो कि उसके अंदर एक इनहेरेंट फीलिंग थी, फीलिंग ऑफ प्राइड थी उसकी अपनी विजडम के ऊपर, विच सीम्स टू हैव बीन नॉलेज बाय हिज सक्सेस, जो कि उसकी सक्सेस की वजह से उसके अंदर नॉलेज हो रही थी इन द रिडल ऑफ स्पेक्ट. He says, Oedipus the simple man who knows nothing, I thought it out for myself, no birds help me. और वो उसने बड़ा arrogantly ये बात की थी कि Oedipus the simple man who knows nothing, कि Oedipus वो simple man है जो कि कुछ भी नहीं जानता, I thought it out for myself, ये मेरी wisdom है कि मैं इतनी बड़ी riddle of Sphinx जो है वो solve कर गया, उस वक्त तो मेरी किसी bird ने help नहीं की. Birds पता वो किसको कह रहा, वो यहाँ पे बर्ड्स उसको फोर्सियर को कह रहा था, टेरिसियस को, कि भाई तुम तो थ्रू बर्ड्स जो है तुम फोर्सी कर लेते हो, यानी कि एक जो बर्ड है फोरटेलिंग कर लेते हो थ्रू बर्ड्स, लेकिन मैंने रिडल जो है सॉल्व की थी अच्छा. वो कहता है कि भाई मैंने तो वो रिडल सॉल्व की है बगैर टेरिसियस की हेल्प के, तो ये जो बर्ड है मतलब उस वक्त तो मेरी किसी बर्ड ने हेल्प नहीं की थी, तो अब वो टेरिसियस को कहता है कि तुम्हारे बगैर और तुम्हारी फोरटेलिंग के बगैर भी जो है मेरी इतनी विजडम है कि मैंने जब स्पिंक्स का रिडल और स्पिंक्स सॉल्व कर लिया तो मैं अपने मुल्क के मसले भी सॉल्व कर लूंगा. Because of his arrogance, Oedipus certainly alienates some of our sympathy for him. अपनी इस arrogance से की वजह से Oedipus alienate कर लेता है हमारी कुछ sympathy for him. फिर वो यानी कि sympathy उसकी कुछ कम हो जाती है. Self-confidence is good quality, but when it takes the form of pride, it becomes disgusting. Self-confidence अच्छी चीज होती है, लेकिन जब ये form of pride हो जाता है ना तो वो disgusting हो जाता है. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसे है कि एक भरा हुआ ग्लास है. ठीक है, अगर उसके ऊपर जो है उसके अंदर एक और पानी डालने की कोशिश करेंगे ना, वो पानी बाहर को गिर जाएगा. और अगर एक ग्लास जो है भरे हुए ग्लास के ऊपर अगर आप टैप जो है ज्यादा जोर से फ्लो कर दोगे ना, ऊपर से टैप जोर से खोल दोगे, तो वो आधे की बजाय वो जो ग्लास है ना वो ऊपर से पानी छलक के बाहर गिर जाएगा. आपका आधे से भी ज्यादा ग्लास जो है वो खाली हो जाएगा, बल्कि नीचे थोड़ा सा रह जाता है. इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं कि वो उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी उनको बड़ी मार पड़ती है. ऑफ कोर्स ईडिपस हैज कमिटेड द क्राइम्स ऑफ किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर, बट द ट्रेजेडी लाइज नॉट सो मच इन कमिटिंग ऑफ दोस क्राइम्स एज इन द डिस्कवरी दैट ही इज गिल्टी ऑफ देम. दैट्स व्हाई जोकास्टा सेज हिम, May you ever learn who you are. तो यहाँ तक कि जो है जोकास्टा, that's why जोकास्टा उसको कहती है कि may you never learn who you are, कि शायद तुम ये learn ही ना करते कि तुम कौन हो. If the crime had remained unknown, अगर उसका crime unknown रहता, there would hardly been any tragedy. This tragedy comes with the fact of discovery both for Jocasta and Oedipus. Tragedy जो है वो fact of डिस्कवरी की वजह से आई बोथ फॉर जोकास्टा और ईडिपस, बट हिज प्राइड इज नॉट द डायरेक्ट कॉज.
of his crime. Having come to know from Oracle what is in store for him, he tries his utmost to avoid the fulfillment of prophecies. He commits those crimes completely in a state of ignorance. Uska jo pride tha, wo direct cause of uski crime nahi tha. Having come to know from Oracle, wo jo prophecy thi Oracle se, what is in store for him, ye uski kismat mein likha hua tha. Theek hai? He tries his utmost to avoid the fulfillment of prophecies. Wo is prophecy ki fulfillment se hatul imkan jo hai na, wo koshish kar raha tha ki wo avoid kare. He commits those crimes completely in a state of ignorance. His tragedy is tragedy of error, not of any willful action. Uski tragedy jo hai wo khata thi, koi willful action nahi thi, usne janbujh ke kuch nahi kiya tha. Yahan pe likh lein wo jo kal aap logon ko quote likhwai thi, the fall of a great king is the fall of whole nation. Likh lein isko bhi tragedy kehte hain. Sophocles says, since fate rules us and nothing can be foreseen. Sophocles ye kehta hai ki fate jo hai since fate rules as nothing can be foreseen. Sophocles ye kehta hai ki fate jo hai wo hamare upar rule karti hai. Nothing can be foreseen aur koi bhi cheez jo hai wo foreseen nahi hoti. ठीक है, कोई भी चीज फोरटेल नहीं होती, पहले से नहीं बताई जाती, लेकिन फेट जो है वो हमारे ऊपर रूल करती है. एंड येट इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट इफ वी हैड बीन अ लिटिल मोर केयरफुल थिंग्स वुड हैव टेकन डिफरेंट शेप. ही माइट हैव अवॉइडेड द क्वारल ऑन द रोड इफ ही हैड नॉट बीन सो प्राउड और हॉट टेंपर्ड. एंड ही माइट हैव रिफ्यूज्ड टू मैरी एन ओल्ड मैन इफ ही हैड नॉट बीन ब्लाइंडेड बाय प्राइड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. But then prophecies of the oracle would have been fulfilled in some other way because nothing could have prevented their fulfillment. Kyunki koi bhi cheez unki fulfillment ko pura nahi kar sakti. As Jocasta says, it is God himself who can show us what he wills in his own way. Wo kehta hai ki ye God himself hai jo ki hame ye batata hai ki what he wills, ki wo kya chahta hai in his own way. Yani ki khuda ki maslahat hai, khuda hi jaane. तो यहाँ पे वो कहता है कि इट इज गॉड हिमसेल्फ जो हमें ये बताता है, जो वो चाहता है अपने ही वे में वो कर दिखाता है. हु कैन बी ऑलमोस्ट सर्टन इफ ईडिपस हैज नॉट रिलेंटली परस्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन ही मस्ट हैव स्पेयर्ड फ्रॉम द शॉक ऑफ डिस्कवरी. और हु कैन बी ऑलमोस्ट सर्टन, कौन इस चीज के बारे में जानता है कि इफ ईडिपस हैज नॉट रिलेंटलेसली परस्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, कि अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इतनी मतलब इतना ज्यादा उसके ऊपर परस्यू ना करता तो शायद वो शॉक ऑफ डिस्कवरी से बच जाता. द ग्रेटेस्ट ग्रीव्स आर दोस वी कॉज आवरसेल्फ. ठीक है, ग्रेटेस्ट ग्रीव्स वो होते हैं जिसका बायस हम खुद बनते हैं. आफ्टर टेरिसियस फाइटनिंग प्रोफेसीज ईडिपस इज डिस्करेज बाय जोकास्टा टू कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन. और टेरिसिस की फाइटनिंग प्रोफेसीज के बाद ईडिपस जो है वो डिस्करेज होता है बाय जोकास्टा टू कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन. बट ही पेज नो हीड टू हर एंड सेज द ट्रुथ मस्ट बी मेड नोन. लेकिन वो उसका कोई ख्याल नहीं करता और वो कहता है कि सच को सामने आना ही चाहिए. जोकास्टा मेक्स एन अदर एफर्ट टू स्टॉप हिम. वो एक और एफर्ट करती है ताकि वो उसको रोक सके. व्हेन शी हर्सेल्फ रियलाइजेस द ट्रुथ बट अगेन शी फेल्स. द थीबन शेफर्ड टू ट्राइज टू रेजिस्ट ईडिपस डिटरमिनेशन टू नो द ट्रुथ बाय सेइंग. थीबन शेफर्ड भी ये कोशिश करता है कि वो रेजिस्ट करे ईडिपस की डिटरमिनेशन को ताकि वो उस ट्रुथ को जान सके बाय सेइंग, यस इफ आई स्पीक द ट्रुथ आई एम वर्स देन डेथ. वो कहता अगर तो मैं स्पीक करता हूँ ट्रुथ को तो शायद मैं वर्स देन डेथ हूँ. But he too was in vain. It is Oedipus' insistence on truth that leads to discovery in which lies the tragedy. Or Oedipus jo hai us truth ke upar insist kar baithta hai jo lead karta hai in discovery jo uske andar uski tragedy lie karti hai. We may interpret this insistence on the truth as a form of pride, the pride in his own intellect. That Oedipus Hamartia is his pride and rashness, and he failed to realize his own situation and kept on trying to know the whole truth without realizing that man cannot bear much truth. However, Oedipus is an ideal tragic hero.
in Aristotelian sense, because the spirit of Oedipus remains unconquered even in his defeat, and that is the essential fact about a tragic hero. He is introduced to us a man, a heroic proportion in prologue, and he departs at the close of the play as a man of heroic stature. यहाँ पे बेटा वो लिखिएगा, वो मैं बता रही थी ना कि fall of the king is the fall of the whole nation, या tragedy of the king is the tragedy of the whole nation. तो ये चीज जो है वो उसको हीरो बनाती है. तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ हमार्शिया, ओडिपस एज एन आइडियल किंग, ही सफर्स ड्यू टू हमार्शिया हिज एरोगेंस. और उसका हमार्शिया क्या था, उसकी एरर ऑफ जजमेंट क्या थी, वो उसकी एरोगेंस थी, उसका ह्यूब्रिस था. ओडिपस insistence upon knowing the truth, his belief in his wisdom bring about his downfall. Uska belief jo tha uski wisdom pe, wo uski downfall ka bias bana. Aur sirf Hamartia ke bare mein likhenge, theek hai. To that is the difference ke agar to ideal tragic hero aata hai, to kal jaise humne ideal tragic hero ke bare mein padha tha, to uske saath hum Hamartia add karte hain, theek hai. Aur jo aap logon ka ye hai इन केस के, अगर सिर्फ हमार्शिया या हिब्रिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप उसकी बताएंगे कि उसका डाउनफॉल कैसे उसके हमार्शिया की वजह से हुआ था, या रादर उसके हमार्शिया की वजह से हुआ था या नहीं हुआ था. इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है, वो है फेट एंड फ्री विल का रोल ओडिपस की लाइफ में, ठीक है. वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स की सबली इस वजह से आ जाती है, मोस्टली स्टूडेंट यही कह रहे होते हैं, मैम हमने पढ़ा तो सारा था, स्टोरी भी बड़ी अच्छी समझ आती थी, ईडीपस का भी सारा पता था, लेकिन बेटा ये जो टर्म्स है ना, क्वेश्चंस है वही, मटेरियल सारा वही है, बट हाउ टू मोल्ड डिफरेंट क्वेश्चंस वो स्टूडेंट्स को नहीं आता. तो वो हमार्शिया की जगह फेट एंड फ्री विल लिखाते हैं, फेट एंड फ्री विल की जगह ह्यूब्रिस लिखाते हैं. पूछा आइडियल ट्रेजिक हीरो होता है, वो पूरी की पूरी ट्रेजिडी लिख के आ जाते हैं, दैट्स व्हाई उनकी सप्लीज आती है, ठीक है, दैट इज द मेन रीजन. तो वो जब तक ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे कि मैंने किस क्वेश्चन में क्या लिखना है और उसको कैसे मोल्ड करना है, हर क्वेश्चन के पॉइंट्स बनाएं कि ये हमार्शिया है उसके ये पॉइंट्स हैं, आइडियल ट्रेजिक हीरो के ये पॉइंट्स होते हैं, और आइडियल ट्रेजिक हीरो के मेन 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि वो जो है एक एमिनेंट पोजिशन का होता है बंदा, वो बहुत ज्यादा गुड नहीं होता, ही इज नॉट वेरी बैड, मतलब बहुत बैड भी नहीं होता, और वो जो कमिट करता है ना सिन, वो जो उसका हमार्शिया होता है उसका डाउनफॉल उसके हमार्शिया की वजह से होता है, और जो वो सिन कमिट करता है वो इनोसेंटली करता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है. तो दैट इज द बेसिक जो ये है आइडियल ट्रेजिक हीरो के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को आज, बेटा ये जरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रेजिक हीरो वो इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, कल के क्वेश्चन में मैं आपको वो ऐड करवाना भूल गई थी, ये आपको किसी स्लाइड से भी मिल जाएंगे, और वो 4 हैं बेसिकली. He is not so good. He should not be evil character. Evil भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल virtuous character भी नहीं होना चाहिए, और उसका जो downfall होगा वो उसके हमार्शिया की वजह से होगा. ये ideal tragic hero होता है, ठीक है? So that is basically. तो मैं ये एक part का हिस्सा है ideal tragic hero के. हाँ जी पार्सा. मैम मैं ये कह रही हूँ कि इसके ट्रेजिक फ्लॉज जो है, इसके अलावा भी जो है ना, ये तो इसका प्राइड था और एरोगेंस ही ना, तो इसके अलावा भी है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें ना, इसके हमाशे में. बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं उसका प्राइड, उसकी एरोगेंस, सब. ह्यूब्रिस इज द पार्ट ऑफ हिज हमाशिया, उसका ट्रेजिक फ्लॉ ह्यूब्रिस था. ह्यूब्रिस एरोगेंस को ही कहते हैं, प्राइड जी जी, ठीक है, तो उसका ह्यूब्रिस ही उसका एक्चुअली जो है उसका कैरेक्टर फ्लॉ था. चलिए आगे, और कोई क्वेश्चन? मैम ये ट्रेजेडी और ट्रेजिक हीरो में मेन डिफरेंस भी जरा बता दीजिएगा थोड़ा सा. अच्छा बेटा मैं बोला दूँ. अच्छा मैंने करवा दिए थे बुक से पॉइंट्स नोट. अच्छा ठीक है, शकीला ज्ञानी मैम आपने करवा दिए थे बुक से पॉइंट नोट, ठीक हो गया, मुझे लगा शायद मैंने कल नहीं करवाए. अच्छा जी आगे चलते हैं. बस ओडिपस रेक्स के अंदर ह्यूब्रिस जो है उसको हम यहाँ पे बुक में देखिएगा बेटा, ह्यूब्रिस एंड ओडिपस रेक्स. Oedipus Rex, Oedipus like some other well-known Greek heroes, was guilty of equating his temporal success with godliness.